गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़े थे। सेल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं और सेल स्ट्रक्चर में आपने देखा कि कल मैंने आपको बताया कि रे डायग्राम मैंने बना के और आपको बताया है ताकि आपको आसान रहे कि सेल स्ट्रक्चर में क्या है। मेन सेल मेम्ब्रेन है और प्रोटोप्लाज्म है। जो पूरा सेल हमारा है सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और उसके अंदर एक फ्लूड है, प्रोटोप्लाज्म है, जो सेल की टर्जिडिटी को बनाए रखे हुए है। और उसके अंदर न्यूक्लियस है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो फ्लो करते हैं। कल हम लोग फिर इसको हमने जब इलाबरेट किया तो प्रोटोप्लाज्म में ये सेल मेम्ब्रेन तो हो गया और प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक अलग कवर है और उसके अलावा जो फ्लूड उसमें है वो साइटोप्लाज्म है और उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स फ्लो कर रहे हैं। आज हम लोग उसके आगे, कल न्यूक्लियस हम लोग पढ़ लिए, न्यूक्लियस में हमने पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन थ्रेड्स। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है ये भी हमने जाना और कितना इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियस का फंक्शन, ये हम लोग कल के लेक्चर से समझ पाए। अब आज थोड़ा सा अलग हम लोगों को पढ़ना है, न्यूक्लियस के अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स हमारे सेल में हैं उनके बारे में जानना है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सेल मेम्ब्रेन हमारी सेमी परमिएबल कही जाती है। क्यों सेमी परमिएबल है? क्योंकि वो सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही अपने अंदर आने या जाने देती है, सेलेक्टिव मटेरियल्स को। और वो सेलेक्टिव मटेरियल्स कौन है? जैसे गैसें हैं, वाटर है, मिनरल है, वाटर के माध्यम से आते जाते रहते हैं। ये यहाँ मैंने बनाया कि सेल मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल है और जो ये आवागमन, ये आना और जाना इनका होता है, वहाँ पे दो टर्म यूज किए जाते हैं, एक डिफ्यूज़न और दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न क्या है? गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो डिफ्यूज़न के माध्यम से होता है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच मटेरियल फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। व्हाट इज डिफ्यूजन? एक प्रोसेस है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच फ्लो ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हिंदी में बोलें तो गाढ़े घोल के तरफ से हल्के घोल के तरफ चीज़ों का बहाव होता है। सपोज सेल के अंदर गैस ज़्यादा बढ़ गई और बाहर की तरफ गैस कम है, तो जो ये आदान प्रदान हो रहा है कि सेल के अंदर से गैस बाहर की तरफ आ रही है, ये किस प्रोसेस के तहत आ रही है? डिफ्यूजन के तरफ। गैस के अंदर कंसंट्रेशन अधिक हो गया, सेल के अंदर कंसंट्रेशन गैस का अधिक हो गया, बाहर कंसंट्रेशन कम है, इस फ्लो को कहते हैं डिफ्यूजन। से इन अदर हैंड वाटर कंसंट्रेशन है, वो कैसे फ्लो करता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच फ्लो ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। एक एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको, हम लोग चना भिगोते हैं पानी में, पानी किधर से किधर बहता है? चना सोख कर लेता है, फूल जाता है। चने के अंदर क्या है? यहां पे मैंने कहा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, चने के अंदर एकदम नहीं है नमी और पानी में नमी है, तो वहां से पानी चने की तरफ जाता है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। और जो गैस है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में लोअर टू हायर और डिफ्यूजन में हायर टू लोअर, यही डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसका यहां तक ये बता दिया मैंने। अब आगे जब हम ये पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये फ्लूड होता है साइटोप्लाज्म, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक है साइटोसोल और दूसरा है सेल ऑर्गेनेल्स। यहां मैंने बना दिया साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स। ये साइटोसोल क्या है? एक्वियस कंपोजिशन लिखा मैंने, जो घोल होता है इसमें वाटर मिनरल सब होते हैं, ये साइटोसोल कहलाता है।
और जो दूसरे हैं सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। यहां मैंने ऐसे एरो करके बता दिया, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू क्लोरोप्लास्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कल हमने जब न्यूक्लियस पढ़ा था इसको हम लोग रैप पैकेट भी कहते हैं। रैप, रैप समझते हैं ना, किसी चीज को लपेटा जाए, तो रैप पैकेट भी कहते हैं या रैप अप भी कहते हैं इसको। न्यूक्लियस के चारों तरफ ये कवर किए हुए था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये लेयर की तरह होता है। इसके साथ साथ ये गॉल्जी बॉडी भी होती है, राइबोसोम भी इस पे होता है, कल मैंने बनाया था फिगर में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स हैं, सेंट्रोसोम्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, एटसेट्रा। ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, और सेल में क्या इनका इम्पॉर्टेंस है ये भी हम लोग जानेंगे। जो सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हमने देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ER। इसको रैप पैकेट मैंने बताया कहते हैं, ये न्यूक्लियस को लपेटे रहता है। इसको जो खोजने वाले वैज्ञानिक थे 1945 में इसको देखा इन्होंने और इसका नामकरण किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पॉर्टर एंड थॉम्सन। किसने खोजा इसको? पॉर्टर एंड थॉम्सन। इसको नोट करना है और याद करना है। मैंने बताया कि सेल को किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। मैंने बताया कि न्यूक्लियस को किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और आज बता रहा हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने खोजा, पॉर्टर एंड थॉम्सन ने, कब? 1945। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्री नहीं होता है, ये कंपोजिट होता है, कई लेयर इसके होते हैं, ये साथ साथ गॉल्जी बॉडी भी इसके होती है और इसके ऊपर राइबोसोम्स भी होते हैं। कल हम लोग चर्चा किए थे राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग क्रमशः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम ऐसे पढ़ेंगे, और कल हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।